जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना यूट्यूब स्लैश ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का करती हूँ अभिवादन। बात करते हैं कि जब कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, ये जग विदित बात है। आप जानते हैं कि सूर्य की विसिनिटी में आकर सारे ही ग्रह जो हैं अस्त हो जाते हैं, राहु और केतु को छोड़कर, और राहु और केतु जो हैं वो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। ऐसे में जब शनि सूर्य के नजदीक आते हैं तो वो भी अस्त हो जाते हैं। सूर्य जो दिन के कारक हैं, शनि जो रात्रि का कारक है, सूर्य जो प्रकाश के कारक हैं और शनि जो रात्रि का कारक है, उसमें से जो लोग रात्रि में पैदा हुए होते हैं उनके लिए शनि का अस्त होना ज्यादा भारी नहीं पड़ता, ऐसा भी कहा गया है। और जो लोग दिन में पैदा होते हैं उनके लिए शनि का अस्त हो जाना थोड़ा सा कठिन जाता है। बात समझेंगे हम ये पूरी विस्तार पूर्वक मेरे इस वीडियो में। शनि हो रहे हैं अस्त, किसको फायदा किसको नुकसान? क्योंकि शनि महाराज जो हैं ये कई राशि वालों को फायदा दे देंगे अस्त होकर। जैसे ढैया चल रही है कर्क और वृश्चिक राशि वालों की, साढ़े साती चल रही है मकर कुंभ और मीन राशि वालों के लिए, तो उनके लिए जो शनि का खराब प्रभाव आ रहा था ढैया का या साढ़े साती का, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब कोई शत्रु ग्रह या किसी भी प्रकार की कोई बुरी चीज चल रही होती है और जिस व्यक्ति द्वारा वो बुरी चीज की जा रही होती है वो व्यक्ति थोड़ा सा बलहीन हो जाए तो बुरी चीज की मिकदार कम हो जाएगी ना। इसी तरह शनि जब बलहीन थोड़े बहुत होंगे तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर कुंभ, मीन राशि, जिनकी साढ़े साती घनघोर चल रही थी, उनको आराम मिल जाएगा। इसके साथ अन्य कई राशियां हैं जिनको आराम मिलने वाला है। कौन सी राशियां हैं? उसमें से सिंह राशि बहुत प्रभावशाली और बहुत ही यहाँ उच्चारणीय राशि है, क्योंकि समझिए कि सूर्य जो है उनका कुंभ राशि में प्रवेश जो है हो रहा है। और सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश का वीडियो मैंने आपको पूर्ण विस्तार पूर्वक दिया है और बताया है कि सूर्य के कुंभ राशि में जाने से किसको फायदे और किसको नुकसान होंगे। लेकिन सूर्य जो है उसकी राशि होती है सिंह, और सिंह राशि वालों को यहाँ शनि अस्त होने से नुकसान होने से बचाव होने वाला है। और भी कई राशियां हैं जिनके 4, 8, 12 में ये संयोग हो रहा होगा, वहां पर शनि अगर अस्त हो गए तो वहां पर शनि अपना बुरा प्रभाव नहीं अच्छा प्रभाव डालेंगे। शनि चल रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में, और मैं अभी आपको बता दूं कि राहु के नक्षत्र में शनि, मतलब शनि और राहु जो कि बहुत ही दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, जो आपस में मिल जाते हैं तो उसका प्रभाव नेचुरली खराब ही होने वाला है। और ऐसे में अगर शनि अस्त हो गया तो शनि के अस्त होने से लोगों को राहत भी मिलेगी। कुछ राशियां हैं जिनको राहत मिलेगी और कुछ राशियां हैं जिनको तकलीफ देह स्थिति हो जाएगी। चलिए मेष से लेके मीन राशि पर, मैं कामिनी खन्ना यूट्यूब स्लैश ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे शनि महाराज जो हैं असर डालने वाले हैं अस्त होकर, अच्छा या बुरा। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्लैश ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर पर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार ज्यादा होता है, लेकिन जब हम अभी जैसे हमने ढैया साढ़े साती की बात की, शनि की बात की, तो इसमें राशियां भी जो हैं वो बात चल रही है उनकी भी, तो इसलिए जिनको अपना लग्न नहीं मालूम वो भी ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं और उनको भी प्रभाव पता चलेगा शनि के अस्त होने का। और जिनको अपना लग्न वगैरह पता करना हो वो मुझे कंसल्टेंसी के लिए वैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है स्क्रोलिंग में, और साथ में आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं तो मैं आपके संपर्क में आ जाऊंगी। इस वीडियो के जो कई उपाय हैं, मतलब कि शनि अस्त हो रहे हैं सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में, और सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में सूर्य जिनके लिए कारक है उनका उपाय, सूर्य के जो 12 नाम, सूर्य का गायत्री मंत्र, सूर्य का वैदिक मंत्र, ये सब मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और कुछ शनि के उपाय जो शनि के
मंत्र, मतलब शिव जी के जो मंत्र हैं, जो कृष्ण के मंत्र हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो वो आप कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाएं और साथ साथ में मैं आपको मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए उपाय भी बताती जाऊंगी संक्षेप में, क्या क्या उपाय करने चाहिए जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है और किन लोगों के लिए शनि कारक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस बात को लेकर कि किन किन और चीजों पर शनि का प्रभाव होने वाला है। जो लोग जमीन से रिलेटेड काम करते हैं, सत्ता में होते हैं, जो लोग श्रम करते हैं, नौकरी करते हैं, जिनको बीमारियां हैं, जिनको तकलीफ है, जिनका कोई मुकदमा झगड़ा चल रहा है, उनके लिए शनि का अस्त होना, आपको सचेत करती हूं मैं, कोई गलत काम मत कीजिए, थोड़ा सा चुप रहने की कोशिश कीजिए। ये 2 महीना चुप रह के काम ज्यादा करने का समय है, अपने शरीर का एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करके कंट्रोल करने का समय है, नहीं तो बेकार में जो निरपराध लोग होते हैं उनको भी सजा हो जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि 16 फरवरी को शनि हो रहे हैं अस्त 2024 को, और 19 मार्च को होने वाले हैं उदित। नेचुरली शनि अस्त होंगे तो उनकी दृष्टियां भी कमजोर पड़ जाएंगी, और मैं आपको राशि भविष्य दृष्टियों समेत बताऊंगी मैं इससे लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ रहा है और क्या रेमेडीज करनी चाहिए। मेष राशि, आपके लिए शनि जो है दशम भाव, लाभ भाव के कारक और अस्त होने के कारण पैसों में कमी, और हो सकता है किसी से विवाद बहुत घमासान आपके साथ हो रहा था वो कम हो जाए, आपकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए, लेकिन पैसों में कमी जरूर होगी। याद रखिए आपके कोई पैतृक संपत्ति केसेस वगैरह चल रहे थे तो उसको अभी थोड़ा टाल दीजिए, आप उस बातों में ज्यादा ना पड़े। मानसिक बेचैनी और आपके बच्चों के साथ कोई उलझने हैं तो भी वहां पर भी कम बात करिए, लेकिन कोई बहुत बुरा असर आने वाला था जो कि अब नहीं आएगा, और आपके बच्चों का पूर्ववत चलता रहेगा, आपका भी पूर्ववत चलता रहेगा। आपके लिए ये भी मैं बता दूं, मित्र गणों पर बहुत ज्यादा भरोसा, और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं व्यवसाय के लिए कि मैं ये छोड़ दूं, दूसरी नौकरी प्राप्त कर लूं, ऐसा मत कीजिएगा। बड़े भाई बहन और आपके ताए चाचा समान लोगों की तबीयत का ध्यान रखिएगा। सरकारी दरबारी कामों में सजग और अपने पेपर वगैरह संभाल के रखिएगा। बेचैन हुए तो गायत्री की आराधना, आदित्य हृदय स्त्रोत्र के पाठ, सूर्य की रोशनी में बैठ के सूर्य स्नान करना और कृष्ण के जाप करना या महामृत्युंजय पढ़ना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं या सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। वृषभ राशि, आपके लिए शनि जो हैं भाग्यश हैं, लाभेश हैं, और इनकी दृष्टियों के कारण आपके प्रेम संबंध खराब हो रहे थे। इनकी दृष्टियों के कारण अगर विवाहित थे तो विवाहित जीवन खराब हो रहे थे। इनकी दृष्टियों के कारण आपके माता पक्ष की तबीयत खराब थी, तो अब उसमें सुधार सब चीज़ों में आएगा, प्रेम संबंध ठीक होंगे, माता पक्ष की तबीयत ठीक होगी, और साथ साथ में आपके विवाहित जीवन की परेशानियां थोड़ी दूर होंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कुछ ऐसा कामकाज जो बहुत तेज गति से बढ़ रहा था उसमें थोड़ा अवरोध आएगा, कुछ पेपर्स और क्या कहते हैं कार्रवाइयाँ कानूनी आपको परेशान कर सकती हैं, और आपको बहुत संभल के इसमें आगे बढ़ना है। नेता अभिनेता लोगों को बहुत संभल के बोलना चालना भाषण देना है, झगड़े फसाद हो सकते हैं। साथ में आप थोड़ा सा कम एग्रेसिव रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए बेस्ट उपाय है काली की आराधना और महाकाल की यानी शिव जी की आराधना, जिससे आपको आराम मिलेगा इस दौरान। मिथुन राशि, शनि महाराज आपके पैसों को पूरा आने नहीं दे रहे थे, आपके कई सारे काम यात्रा में आपको बहुत बेचैनी होकर हो रहे थे, आपके छोटे भाई बहन की साथ आपकी दूरियां बढ़ रही थी, आपके उत्साह में थोड़ी कमी थी, विरोधी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। इन बातों से आपको छुटकारा मिलेगा, पैसे पूर्ववत होंगे, विरोधी कम होंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि बहुत सारे ऑफर्स जो काम सूझ रहे थे आदमी आपको, उसमें कमी हो सकती है। बड़े भाई बहनों से मनमुटाव ना हो इसलिए थोड़ा चुप रहने की, साइलेंट रहने की कोशिश करें। और आपके लिए बेस्ट उपाय हैं हनुमान जी के मंदिर जाना, सुंदरकांड पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सूर्य की रोशनी में बैठना, सूर्य स्नान करना, गायत्री के जप करना। कर्क राशि, आपके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग बात थी कि आपका काम काज होने में दिक्कतें हो रही थी, परिवार से मनमुटाव, बोलने चालने में आप रोना शुरू कर देना, वल्नरेबल सिचुएशन, ढैया लगी हुई थी, बहुत आराम मिलेगा।
तबीयत और परिवार और मानसिक चैन, आत्मा को चैन मिलने वाला है। थोड़ा जो टेंशन हो गई है, स्ट्रेस हो गया है, डिप्रेशन में जो लोग हैं वो बेटर होंगे, और साथ साथ आपका कामकाज भी खुलेगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी शारीरिक हेल्थ संभालना, तो उसका इलाज करा लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हड्डी, स्कल, दांत, आंख, स्पाइन, डी3 स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस से रिलेटेड परेशानियों से बचें। सूर्य स्नान लें, गायत्री की आराधना करें, महामृत्युंजय के जाप करें और शिव जी को जाके एक लोटा जल चढ़ाएं। सिंह राशि, बहुत जरूरी है आपके लिए गायत्री के जप और सूर्य के वैदिक मंत्र करना या 12 नाम लेना। इसके अलावा आपके लिए भी जरूरी है कि आप महामृत्युंजय के जप कर लें, आपके कामकाज खुलेंगे और आपके कई सारे जो परेशानियां घर में आ रही थी, माता पक्ष की तबीयत खराब थी वगैरह वगैरह, उससे आराम मिलेगा। जो अपने अंदर की कुंठा थी, बेचैनी थी, उससे भी आराम मिलेगा। घर में सुखों की व्यवस्था होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन से कलह क्लेश हो सकता है। और साथ में कोई आपका व्यवसाय बढ़ रहा था उसमें व्यवधान ना आए, इसका ध्यान रखना है आपको, तो बाकी सब ठीक चलेगा। मैंने उपाय बता दिए हैं। कन्या राशि, आपके लिए देखिए, आपके पंचमेश और षष्ठेश होकर आपकी तबीयत खराब कर रहे थे। आपके कई सारे काम जो हैं, विदेश रिलेटेड रोग छोड़े थे, प्रेम संबंध खराब थे, आपके कई सारे काम यात्रा में खराब हो रहे थे, आप बहुत बेचैन थे। ये वीडियो आपको बता दूं, आज आपको ये कुछ 1.25 महीने का जो पीरियड है इसमें बहुत आराम मिलने वाला है, और आप बहुत सारी तकलीफों से, यात्राओं की तकलीफों से, और साथ में मैं कह सकती हूँ प्रेम संबंधों की तकलीफों से, तबीयत की तकलीफों से बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेम संबंध वाले व्यक्ति के साथ बात कैसे करनी है, और उनकी तबीयत का भी और उनकी अवस्था का भी ध्यान रखना है। विदेश रिलेटेड कामों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लोन्स वगैरह ना लें इस दौरान तो अच्छा रहेगा। आपके लिए बेस्ट है महाकाली की और महाकाल की आराधना, और आप सूर्य स्नान भी ले सकते हैं, गायत्री की भी आराधना कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सूर्य के उपाय डाल देती हूँ। तुला राशि, आपके लिए आपके सप्तम पर शनि की दृष्टि, आपके द्वितीय पर वृश्चिक राशि में शनि की दृष्टि, आपके शनि की दृष्टि पड़ रही थी डायरेक्टली आपके पैसे पर, पैसे रुके, धन आना रुका, बहुत सारी परेशानी विवाहित जीवन में, इन सब बातों से आपको मुक्ति मिलने वाली है थोड़े दिनों के लिए। आप फिर अपनी बुद्धि मत खोइएगा, अपनी चैन और बेचैनी, जबकि इन सब का सपोर्ट है आपको, आपको पैसों का थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा, आपके केसेस विवाद में से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। लेकिन पेपर बहुत संभाल के साइन करने, बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान दे के अपना कागजों का वो रखना, अपने परिवार के साथ मन मुटाव ना करना, अपने विवाहित जीवन के साथ, साथी के साथ अच्छा बिहेव करना, ये सब अभी आपके कार्ड्स पर मुझे दिखता है। सिर्फ मानसिक बेचैनी, उलझने, सर का एकदम स्ट्रेस में आना, माइग्रेन वगैरह है जिन लोगों को परेशानी, वो लोग सूर्य स्नान लें और गायत्री का जप आपके लिए नहीं है। आप जो हैं ओम दुन दुर्गाय नमः के जाप या महाकाली की आराधना या शुक्र के उपाय कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, लग्न पर डायरेक्ट दृष्टि शनि की, मोटा हो जाना, मानसिक टेंशन होना, लोन्स हो जाना, पैसे धड़ाधड़ निकल जाना, सब हो रहा था आपके साथ, काम काज रुक जाना, और आप कितने बेचैन थे अपने पिता पक्ष, अपने कारोबार, इन सब चीज़ों को लेकर, सेलिंग नहीं हो रही थी चीज़ों की। अब क्या है, अब घर की थोड़ी बेचैनी हो सकती है, प्रॉपर्टी की हो सकती है, वाहन की हो सकती है, वाहन धीमे चलाना है, चोटें नहीं लगनी, हार्ट से रिलेटेड संबंधित सावधान रहना है, माता पक्ष की तबीयत संभालनी है, लेकिन लोन्स वगैरह चुकेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा उत्साह जगेगा। और लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सरकारी दवाई अटक गए थे, पेपरबाजी वगैरह, वो सावधानी से करिएगा तो वो भी निकल जाएंगे। आपके लिए बेस्ट है आप महामृत्युंजय का जाप करें, आपको हमेशा सूट करेंगे, और आप हनुमान चालीसा करें वो भी आपको हमेशा सूट करेगा। सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं आप, हनुमान जी को जाकर आप एक नारियल चढ़ा दिया करें शनिवार को। धनुराशि, मानसिक इम्बैलेंस होना, बहुत ज़्यादा परेशान आप कुछ सोच नहीं पा रहे थे ठीक से। आप ये भी समझ लीजिए कि प्रेम संबंध टूटे, अंधाधुंध खर्चा है, तो कुछ बेटरमेंट होने जा रही, तो उसका फ़ायदा उठा लीजिए, शादी में कन्वर्ट कर लीजिए, शादी के योग हैं, प्रेम संबंधों को शादी में फटाफट कन्वर्ट कीजिए। या आपके मित्रगण आपसे सहायता, आपसे दूर हो गए थे, सहायता नहीं कर रहे थे, तो या आपके बच्चे आपकी सहायता नहीं कर रहे थे, तो उनको भी आप अपने बातों से समझा बुझा के अपने तरफ कर सकते हैं। कामकाज भी खुलेगा, नई रोशनी नजर आएगी आपको काम में, हालांकि बहुत अटक अटक के काम चलेगा। आपको काम से आश्वस्तता अगर चाहिए
तो आपको गायत्री के अनुष्ठान करने चाहिए और आप इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे एक और विनती, आप साथ में घर में भी सूर्य के 12 नाम करके सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के मंत्र कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके द्वादशेश आपके लग्नेश होकर शनि जो हैं दृष्टि डाल रहे थे माता पक्ष पर, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, लाभ भाव पर, तीनों से आपको आराम मिलेगा, पैसे भी आएंगे, माँ की तबीयत भी ठीक होगी, हेल्थ के लिए बहुत जहदोजहद होगी आपकी। कोई आपका गड़ा हुआ धन है इसका मतलब कोई आपका पैसा है कहीं से आया हुआ, निकालने में तकलीफ तो हो सकती है लेकिन निकल आएगा। बहुत संभालिएगा अपने सूर्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं अपने विवाहित जीवन में, व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ व्यवसाय भी संभल के करिएगा, अगर ससुराल पक्ष के साथ कोई अनुबंध है तो भी संभल के, नई नई नौकरी मिली है तो भी संभल के, और आप अपना जो पैसा आ रहा है ना उसको आप फ्रीज कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए, तो आगे चल के वो रहेगा। माता पक्ष की भी तबीयत ठीक होगी और तबीयत संभालने में दिक्कतें तो होंगी, डॉक्टरी डायग्नोस वगैरह कराते रहें और सारे नॉर्मल प्रैक्टिकल उपाय अपनाएं, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह, तो जिनसे शनि महाराज भी खुश होते हैं और आपकी जो साढ़े साथी लगी हुई है ना उससे आपको बहुत आराम मिले। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए घनघोर साढ़े साथी के बीच और जिनके लग्नेश हैं उनको तो बड़ा बल मिल रहा था लेकिन फिर भी यात्राओं में कमी या यात्राओं में नुकसान, और इसके साथ आपको कई सारे व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से धोखे, इसके साथ आपकी झगड़े होना विवाहित जीवन में और आपके पिता से झगड़े होना या कामकाज में कमी आना या नुकसान होना या प्रॉपर्टी से रिलेटेड नुकसान होना, इनसे मुक्ति मिलने वाली है। तबीयत ठीक होगी और ये सवा महीना डेढ़ महीना आपको रिलैक्स होकर इतना आराम मिलेगा, लेकिन ये आराम जो मिलेगा इसमें आपके विवाहित जीवन के साथी की तबीयत संभालनी है, व्यवसाय का अनुबंध बहुत संभल के करने, कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें, मेरी बात सुने, अभी व्यवसाय में जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, नौकरी जैसी चल रही चलने दें, जैसा काम चल रहा है वैसे चलने दें, चुपचाप ये सवा महीना दो महीना काटिए क्योंकि आगे भी मंगल शनि युति होने वाली है। मीन राशि, आपके लिए देखिए आपके धन लाभ के घर धन भाव पे दृष्टि थी, शनि की विरोधी बहुत बढ़े हुए थे, पैसे नहीं आ रहे थे, परिवार से मन मुटाव था, नए नए काम खराब हो रहे थे और साथ में आपके विरोधी के कारण आपके जो आपके लोन्स वगैरह पास होने वाले थे वो भी नहीं हो रहे थे, बहुत परेशानियों से आपने दिन निकाला है और इससे अब आपको मुक्ति होगी, आंशिक रूप से पैसे आएंगे, कुछ कुछ आपके लोन्स वगैरह भी खुलेंगे और कुछ कुछ कामकाज भी खुल जाएंगे, हालांकि आपको कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है, नहीं तो इतना विरोधी हावी हो जाएगा आपके, गलत एक गलत स्टेप होगा और वो 10 आपकी गलतियां निकालेंगे और आपका कामकाज फिर ठप हो, इसको मत आप जोर दीजिए। आप सूर्य के वैदिक मंत्र, सूर्य के 12 नाम, सूर्य के गायत्री मंत्र, इनका जाप करते रहिए, ये सवा महीना सनलाइट में ज़्यादा बेस्ट उपाय होता है, सनलाइट में बैठना और कोई भी जाप करना जो आपको पसंद हो, और संचित धन आपका अब थोड़ा होना शुरू होगा तो इससे आपको खाली पेपरबाजी वगैरह में बचना है शनि से, और प्रेम संबंध पहले से आपके खराब ना हो जाए और इसमें आपको ध्यान देना है, तो प्रेम संबंधों में झगड़े फसाद, विदेश रिलेटेड कामों में झगड़े फसाद और कुछ काम ऐसे जो आपको फॉरेन से रिलेटेड यात्राओं पर जाना था स्थगित कीजिए थोड़े दिन यात्रा, थोड़े दिन प्रेम संबंधों में भी बात करना कम कीजिए, स्पेस दीजिए तो उससे आप आराम से रहेंगे, ठीक है मेरी बात मान लीजिए आप, और कोई भी गलत काम वीजा के लिए पेपर वेपर लगाने के लिए कोई भी गलत काम मत करिएगा। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप लोगों को शनि के अस्त होने के नुकसान और फायदे, किसको नुकसान किसको फायदा, लेकिन ये सब बातों से एक बात याद रखिएगा कि अभी शनि सूर्य युति हो रही है, बाद में शनि मंगल युति है सिर पर, तो अभी से अपने आप को एक्यूरेट कर लीजिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम परफेक्टली रोज किया कीजिए। क्यों कहती हूँ ऐसा, शरीर और मन जब स्वस्थ रहता है तो डिसीजन अच्छे होते हैं, उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती जितनी बीमारी में होती है, एक तो बीमारी उस पर से काम करना, इन सब बातों से तकलीफ होती है, इसलिए प्रैक्टिकल हो जाइए। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मैया, सती आया सिया।
चलो, ख्यालों में ही सही, नींद ना सही, जागती आंखों का सपना ही सही।